ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का ये अहम फैसला इस वक्त सामने आया है। बता दें कि बैलेट पेपर की मांग को भी ठुकरा दिया गया है, साथ ही अब वीवीपैट से 100% पर्ची मिलान भी नहीं किया जाएगा। ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट को लेकर ये बड़ा फैसला सुनाया है। ईवीएम के साथ वीवीपैट का इस्तेमाल करके डाले गए वोटों के पूर्ण क्रॉस सत्यापन की मांग करने वाली याचिकाओं को आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। चुनाव आयोग ने पीठ के समक्ष कहा था कि ईवीएम और वीवीपैट में किसी तरह की छेड़छाड़ संभव नहीं है और आयोग ने मशीनों की सुरक्षा, उन्हें सील करने और उनकी प्रोग्रामिंग के बारे में भी शीर्ष कोर्ट को अवगत कराया था, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा और अहम फैसला सुना दिया है। साथ ही आपको बता दें कि वीवीपैट को लेकर जितनी भी याचिकाएं दायर की गई थी कोर्ट में, उन सभी को आज सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने खारिज कर दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा और अहम फैसला सामने आया है। बता दें कि आज दूसरे चरण का मतदान शुरू हो गया है। इस बीच अहम जानकारी, जहां वीवीपैट को लेकर जितनी भी याचिकाएं दायर की गई थी उन सभी को खारिज किया गया है, बैलेट पेपर की मांग को भी ठुकराया गया है और अब वीवीपैट से 100% पर्ची मिलान भी नहीं होगा।